The minister. अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सारे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 21वीं सदी के इस पहले विधेयक का स्वागत किया और उसे समर्थन दिया। यह सच है कि मुझ पर थोड़ा आरोप हुआ कि मैंने इसमें जल्दबाजी की। मैं इस आरोप से इनकार भी नहीं करता। हो सकता है कि लोकसभा में अगर आपकी कृपा से पारित हो जाए तो ये मेरा पहला विधेयक है, और पहले विधेयक के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी, उसके माता पिता में होना ये थोड़ा स्वाभाविक है, और इसलिए मुझसे अगर कोई जल्दबाजी हुई हो तो वो इस परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, ये मेरी प्रार्थना है। अध्यक्ष जी, कभी कभी हम जब जल्दबाजी का शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन होता है। अगर सरकार वक्त पर विधेयक ना लाए तो कहा जाता है कि आपने तो बहुत देर करी, आप क्या सो रहे थे। अगर वो थोड़े वक्त के पहले विधेयक लाए तो कहा जाता है कि आपको इतनी भी जल्दी क्या थी। और इसलिए ये जल्दी थी या नहीं थी, अभी मैं सोच रहा था सर, आइंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी का सिद्धांत आविष्कार किया तो विद्यार्थियों को जब समझाने लगा कि रिलेटिविटी क्या होती है, टाइम स्पेस क्या होता है, तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। 10-20 बार समझाने के बाद भी बच्चों ने कहा कि हमको यह समझ में नहीं आया, किसी उदाहरण से समझाइए। तो आइंस्टाइन ने कहा कि रिलेटिविटी उसे कहते हैं जैसे तुम अपनी प्रियतमा की परीक्षा कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, और अगर तुम्हारी प्रियतमा 2 मिनट देर आए तो तुम कहते हो कितनी देर लगा दी, और वो 2 घंटे बैठने के बाद जब वापस जाने को निकलती है तो आप कहते हो अभी अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। अब इतनी देर लगाई और इतनी जल्दी जा रही है, ये जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी का सिद्धांत है उसमें मैं अटक गया हूं, और इसलिए मैंने कहा कि इसके कारण किसी को जल्दबाजी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कोई सदन पे या देश पे कोई कानून थोपने के लिए नहीं था, और एक ऐसा कानून है, ठीक कहा संतोष जी ने कि एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं 21वीं सदी का, और दुनिया को यह संदेश जाए कि हम झगड़ झगड़ कर बना रहे हैं और बड़े विवाद के बाद बना रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा संदेश था। और इसलिए आज एक हम अच्छा संदेश भेज रहे हैं कि ये कानून हम सब मिलकर पारित कर रहे हैं। ये कोई इस कानून का आखिरी शब्द नहीं है। अगर इसमें कमियां हमें दिखाई देगी तो हम इसे और आगे सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं सबको पहले धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, माय रियल प्रॉब्लम इज आई एम नाइदर ए टेक्नोक्रैट नॉर ए लॉयर, सो हाफ ऑफ द लेजिस्लेशन टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हाफ टॉक्स अबाउट द लॉ, एंड आई एम नाइदर एक्सपर्ट ऑफ दिस और दैट। और इसलिए कल जब शिवराज जी ने इस चर्चा का प्रारंभ किया, और वो हमेशा जैसे करते आए हैं उस हिसाब से उन्होंने इस चर्चा का स्तर बहुत ही ऊंचा रखा, कभी कभी तो मुझे लगा कि इतना ऊंचा रखा कि बाद में बोलने वाले को उसको स्पर्श करना मुश्किल हो रहा था, और इसलिए मुझे तो पता ही नहीं चला कि इनके सारे कानूनी बातों का जवाब मैं क्या दूं। और इसलिए ऐसे वक्त जो साधारण क्लाइंट करता है वही मैंने किया, कि मैंने भी सोचा कि हिंदुस्तान का एक सबसे बेहतरीन वकील अगर हमारे साथ है और बिना फीस लिए हुए वो अगर मेरी वकालत करने को तैयार है, तो मैंने अरुण जेटली को प्रार्थना की कि वो आए और वो इन बातों का जवाब दें, क्योंकि मैं जवाब देने में जवाब की जगह गलतियां ज्यादा करूंगा और जजमेंट मेरे खिलाफ जाएगा। अरुण जी ने सारे विषयों को स्पर्श किया, मैं उसकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। और लगता यह है कि अरुण जी कल के ही वॉज द लास्ट स्पीकर, एंड द वे इन विच ही आर्ग्यूड
आई थिंक टूडेज चेंज एटमोस्फियर ऑफ माई जजेस और जूरी शोज दैट ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग ऑल ऑफ अस कि इसमें कोई बहुत भारी गलती नहीं हो रही है, छुटमुट हो सकती है लेकिन नहीं हो रही. सर, इसमें केवल दो तीन छोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैं पुनरुक्ति करना चाहूंगा. एक तो समाचार पत्रों में सबसे बड़ा विवाद यह आया कि हम कोई 73 और 73 बी क्लॉज ला रहे हैं जिसमें हम वेबसाइट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, या साइबर कैफे में पुलिस को हर चीज लिखने की मजबूरी कर रहे हैं. अब असल बात तो यह है कि यह हमारे बिल में था ही नहीं. अगर आप इस मूल बिल के देखें तो द 73 एंड 73 ए एंड बी विच वॉज मच टॉक्ड एंड क्रिटिसाइज इन द मीडिया वॉज नेवर पार्ट ऑफ दिस ओरिजिनल बिल. नाउ इट वॉज अ सजेशन बाय द स्टैंडिंग कमिटी एंड ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स इन द पार्लियामेंट. सेम इज द केस विद स्टैंडिंग कमिटी. They made 36 suggestions, out of which we accepted 34. That means their score of accepting was to the tune of about over 90%. So they did the excellent job. Now, on not do in respect of the recommendation of the standing committee. Let us see, sir. Let us see. If because I don't want to comment on, I can only say. As far as legislation is concerned, I am giving the second bill which was passed by Lok Sabha. In semiconductor layout design bill, I have accepted all suggestions made by the standing committee toto. So it is not true that we don't accept the standing committee, and I am sure also in the future, barring one or two where government can have a different viewpoint, most of the suggestions made by standing committee on legislation I think should be treated with respect, and wherever government agrees should accept 100%. You can't then the laws will be decided in standing committees and not in the parliament. So there can be little difference of opinion. I was saying, sir, that this was not part of my bill for which I am criticized. Now the standing committee brought it. Now they have the right to bring it. They have studied and they thought that it was the right thing, so they brought it. Now what happened? Now what happened to this? On Tuesday when we had the cabinet meeting, did not accept the 73 and 73A and 73B. Now when I read in the newspapers today that the government changed its mind because they read a criticism on Sunday morning in the newspapers, really I don't understand. Because Friday, when we went to Honorable President to get his sanction to the amendments, 73A and B was not at all there. And so the atmosphere became of commotion for no reason, because the press thought that we are accepting it. And so many of my friends sitting here thought that we are accepting something which is draconian in nature, which we never accepted itself in the cabinet. It was never circulated to the parliaments. The amendment circulated to you, we are not withdrawing it. We never accepted it. So this is the first thing I would like to make it very clear. Now, sir, about second thing, the clause 79. Sir, main koi pulis ka paksh lene ke liye yahan khada nahi hu. Kyunki pulis ke bhukt bodhgi samne jitne hain, hum jyada hain. Kyunki sir, 45-47 साल तक तो आप सरकार में थे, तो पुलिस आपको सैल्यूट करती थी और हमको लाठी मारती थी. इसलिए मैं कोई यहां पुलिस का पक्ष लेने के लिए नहीं खड़ा हूं. मैं जानता हूं कि किसी भी कानून में जब पुलिस को अधिकार मिलता है तो वो बहुत बार पुलिस उसका दुरुपयोग करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और खासकर साइबर क्राइम जैसे क्राइम के लिए अगर पुलिस दुरुपयोग करे तो समस्या और बढ़ती है, यह भी मैं समझ सकता हूं. इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए मैं पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पुलिस बहुत अच्छी है, चिंता मत करिए वो कुछ नहीं करेगी. हम तो आगे जाकर ये दो बातें इसमें कहना चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमिटी ने दो बातें कही हैं. थोड़ा देर से आपको रिपोर्ट मिला इसलिए सबने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना आवश्यक था. उन्होंने दो बातें कही. उन्होंने कहा है कि द एंटायर पुलिस फोर्स हैज टू मेक कंप्यूटर सेवी. द
They are not only talking about DSPs. Even down the line, when I say that the electronic complaint will be allowed in a police station, unless the constable is able to retrieve what has been the complaint, you can't send from this end and nobody is getting from that end. जैसे मैं पुलिस स्टेशन को लिखूं कि मेरी ये कंप्लेंट है और कांस्टेबल अगर अनपढ़ हो, अगर वो पढ़ ही नहीं पाए तो मेरी कंप्लेंट वो पढ़ ही नहीं पाएगा और इसलिए वो कंप्यूटर अनपढ़ नहीं. इतना ही नहीं, साइबर टू ट्रीट साइबर क्राइम्स द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट देर शुड बी अ स्पेशल टास्क फोर्स विद इन पुलिस हु शुड नो व्हाट काइंड ऑफ क्राइम इट इज. इट्स नॉट ओनली जस्ट सीइंग कंप्यूटर, क्योंकि अभी पुलिस क्या करती है, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ पता चली तो फ्लॉपी निकाल लेती है और फ्लॉपी को वो क्या करती है, जैसे कागज को छेद करके रस्सी से बांध के रखते हैं वो कोर्ट में दान, वो फ्लॉपी में छेद करके एक जगह उन्होंने रस्सी को बांध दी. अब जैसे ही फ्लॉपी में छेद किया उसमें जो था वो सब गायब हो गया, अब उसका कोई इविडेंस बचा ही नहीं, लेकिन उसको लगा ये इविडेंस है रख दो, जैसे कागज रखा, लाठी रखी, बंदूक रखी. और इसलिए मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, हमको ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी एक परेशानी है. सर, क्राइम इज अ क्राइम एंड नाउ टू डील विथ क्राइम, इफ ऑल ऑफ अस थिंक दैट इन डीलिंग विथ क्राइम वी शुड नॉट गिव द राइट टू पुलिस ऑफिसर्स टू रेड विदाउट अ सर्च वॉरंट, दिस राइट वाई आर यू ब्रिंगिंग माई पुअर टेक्नोलॉजी बिल फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस राइट हैज बीन गिवन टू द पुलिस in half a dozen laws. I have a minute. Class 79, subclass 2, where you have asked the person to, if a person is arrested by any officer, he must be produced before an officer in charge of a police station. That must be head constable. So the person is produced before head constable. Is it good? 79, subclass 2, you please refer. तो मैं ये कह रहा था सर कि किसी जगह अपराध होने की संभावना देखते हुए पुलिस बिना अनुमति के वहां जाए, ये अगर सदन को गलत लगता है, सारे देश को गलत लगता है, तो अगले सत्र में हम सब मिलके सीआरपीसी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक जिस जिस बिल में ये प्रावधान है उस प्रावधान को हटा लें, तब तो मैं समझ सकता हूं कि ये ठीक होगा. और सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं है. मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, दोबारा जोर डाल के कह रहा हूं, इसे हटा ले ये बिल्कुल उचित नहीं होगा. केवल इतना इस पर एक राइडर लगाए कि जहां आकस्मिकता आ जाए ऐसी स्थिति में पुलिस को यह अधिकार हो कि बिना वारंट के भी सर्च ले ले, गिरफ्तार कर ले, लेकिन आकस्मिकता जहां ना हो, सामान्यतः ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए. इसमें आपसे मैं 100% सहमत हूं, इसमें कोई दुमत नहीं है कि ऐसी संभावना ना हो तो उसको जाना नहीं चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि मैं पुलिस का जैसे पक्ष नहीं लेना चाहता, वैसे मैं उन पर अन्याय भी करना नहीं चाहता. आज भी सीआरपीसी अगर चाहे तो रोज सुबह हम सबके घर में रेड कर सकती है और वो करती नहीं है. और इसलिए यह भी मानना, कभी कभी गलत रेड होती वो जितना सच है उतना, दे आर नॉट यूजिंग द लॉ. फेरा में डीएसपी किसी के भी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर जा सकता है, कोई रोज उठ के 100 इंडस्ट्रियलिस्ट के घर नहीं जा रहे हैं. हाँ, जब गया वो गलत है, उसको सजा होनी चाहिए अगर वो कोई गलत करे, लेकिन हम ये अधिकार अगर इसमें से निकाल लें तो फिर तो हमारे लिए बहुत अड़चन हो जाएगी. और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं चाहता इस प्रकार का अधिकार हो, लेकिन इफ टू ट्रीट एन ऑर्डिनरी क्राइम, अगर चोरी का सामान पकड़ने के अपराध में अगर क्राइम हो तो कांस्टेबल जा सकता है, और कंप्यूटर में अपराध करे तो कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़े लोगों की इंडस्ट्री है. ऐसा तो तय नहीं होगा. अगर हमको कानून करना है कि अपराध को अंदर जाना ही नहीं है तो लेट अस नॉट गो टू एनीबडी, बट पुअर सिटीजन्स फॉर सीआरपीसी एंड द साइबर सेवी पीपल, दे डोंट नीड ए लॉ, बिकॉज वहां कोई सीजर करेगा नहीं. अच्छा, ये जो जाने की बात है, पुलिस गलती करेगी वो करें ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जाने की बात तो जो क्राइम करेगा उसको डरने की बात है. जो अच्छा अपना साइबर का काम कर रहा है उसको इतनी चिंता क्यों हो रही, मुझे पूरी इंडस्ट्री चिंता में. सर, एग्रीड, एग्रीड सर, आई अगेन डोंट वॉन्ट टू, आई कुड हैव सेड
then why does why not the Bengal government amends the CRPC and withdraws this right? को फेरा को आपका चर्चा बहुत देर बहुत दफे हुआ कैसे मिसयूज हो अभी संतोष देव ने जी बताया कैसे उनका ऊपर मिसयूज हुआ वो अलग है ताड़ा का और इसका मिसयूज हुआ ये संतोष जी कहेंगे नहीं क्योंकि मिसा का उपयोग मिसयूज हुआ तब मैं 18 महीने जेल में आपके साथ था और इसलिए मिसयूज का जितना अनुभव आपको है उतना ही मुझे है जेल में था आपको कौन कहा कोई सीपीएम लीडर जिंदगी में कभी इतना नहीं सर मुझे नहीं मुझे नो प्लीज सर एक भी नहीं थे जेल में ये तो सुनना चाहिए नो नो प्लीज सर सर आई जस्ट गो सर मुझे उनका इतिहास पढ़ाने के जिम्मेदारी मैं ले लूंगा 42 साल को जो अब प्लीज सर बंद हो पाए प्लीज उनका जानकारी कुछ नहीं है ये कमेंट ये ठीक नहीं प्लीज ब्रिटिश का दादा जी प्लीज जेल में भेजने की जिम्मेदारी हमारी ये आजादी झूठा है ये लोगों ने स्लोगन दिया नो बैठ जाए प्लीज सर ऑन आवर कंट्री सर My final point on clause 79 is very simple. If I make a mistake, Arun is this side, Shivraj is that side to correct me. Sir, I say here, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 73, a DSP level officer will go. Suppose the House, sir, in its wisdom, said that we want to delete the clause 79. It will create more problems than solving because then the CRPC will become applicable to cyber crimes and today I am sending DSP. Now the constable will be able to go it and crime it. So I don't think it is will be the in the wisdom to withdraw this 79 clause and take down it to level of the constable. इसलिए हमने कहा notwithstanding anything in CRPC और मुझे लगता है इसके बाद भी हाउस इसको डिलीट करना चाहे तो ये हाउस की मर्जी है मुझे उसमें Yesterday when I was speaking, the honorable minister had intervened and gave a wrong impression about 165. 165 relates to search warrant, not arrest. And now he is trying to equate 79 what one with 165. That was let me read it. I may clarify since a point has been made. Kindly read section 41 also. The two read together mean arrest and search warrant. And then again, there is not 41. There is section 52, 50/2. There is 55. 41 deals with arrest. 165 deals with search warrant. This provision deals with both. No. When he intervened, he explained that he equated 165 to 79. He was misleading the house. Okay. No, to do with that. No, the minister, please. सर इसमें अंतिम कानून की दृष्टि से एक ही छोटा मुद्दा है कि क्या ये परिपूर्ण कानून है अब मैं तो जैसे मैंने कहा कि किसी ने मुझे ये कहा कि दुनिया में ऐसा कोई ड्राफ्टिंग नहीं बना जो परिपूर्ण कानून का था हर ड्राफ्टिंग में कभी न कभी सुधार करने की आवश्यकता होती है मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी मंत्रालय की ओर से सरकार की ओर से ईमानदारी से ये पूरा प्रयास हुआ है कि जितना संभव हो ये परिपूर्ण कानून बने उतना हमने यहां किया है अगर आगे कहीं इसमें कभी कमजोरी दिखाई दे तो हम सब मिलके इसको चाहें तो परिवर्तित कह सकते हैं लेकिन अभी इसमें मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगती दो तीन और छोटे मुद्दे हैं जिसका मैं उल्लेख करूं रूपचंद पाल जी ने एक खास अमेंडमेंट भी उन्होंने दिया है और एक उल्लेख भी किया है जो मामला समिति के सामने आया था वो क्लॉज 78 के संबंध में उन्होंने इसमें यह कहा है कि हम जो कॉपीराइट वाला एक्ट है नॉर्थ वेस्टर्न इन द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर शेल बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 पहली तो बात सर मैं इसमें कहना चाहूं कि एक्चुअली जो क्लॉज 78 है इसके तो ये स्कोप में भी नहीं आता है क्योंकि 78 ये क्लैरिफिकेशन है मेरे 66 क्लॉज को जो पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ क्लॉज है
और क्लैरिफिकेशन इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर का दुरुपयोग कर रहा है लेकिन उसको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसको पता नहीं है तो उस व्यक्ति के अपराध की सजा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देनी चाहिए। मैं एक छोटा साधारण उदाहरण बताऊं सर, टेलीफोन है, हम सबको महानगर टेलीफोन निगम टेलीफोन देता है। अब एक आदमी टेलीफोन उठा के दूसरे किसी आदमी के साथ टेलीफोन में बातचीत करके अपराध करता है जो MTNL को पता ही नहीं है, तो ओनली बिकॉज MTNL इज ए सर्विस प्रोवाइडर यू कांट हिट द सर्विस प्रोवाइडर सेइंग दैट हाउ डिड यू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ए सर्विस वेयर पीपल टॉक विथ ईच अदर एंड कमिटेड अ क्राइम, इट कांट बी डन। और इसलिए नाउ If I do this kind of a law, nobody will come forward to become an internet service provider. And if we don't have internet service provider, we don't have internet. I'm coming. Music producer. Just keep a patience for a minute, sir. I'm coming to it. Now the music association people say that somebody is using their music cassette and playing it, using it. Now this is an infringement of a copyright. Now the Copyright Act is there to take care of it. Internet service provider in this bill, he should not be punished for that. The Copyright Act exists. We have not repealed Copyright Act. Copyright Act is there, and somebody using computer, if he is misusing it and using somebody else's copyright, there is a remedy in the law, because Copyright Act. I will make this law very draconian, because somebody committing a copyright act, some crime under copyright act, using somebody's CD cassette, and if I go on punishing the internet service provider for that, I am making it more draconian. So I don't want to. But at the same time, I have taken your criticism, and what I want to say, sir, basically the act which we have brought it now, basically deals with Indian Evidence Act, Bankers Evidence Act, RBI and IPC. We have kept the General Clauses Act outside because it was never amended. And we have not touched the CRPC because we are making similar provisions here. So we are going to the core of the lawmaking as far as the fourth generation of communication is concerned. But this is not an end. We have to bring, sir, additional Copyright Act in the digital crime. We have to amend Custom Act. We have to amend Excise Act. We have to amend Cell Tax Act. So there are many things which will follow. Now, in name of making comprehensive, I can't create only one law which will be totally applicable to everything under comes under fourth generation. So your criticism is well taken care of, but the remedy... Let me complete, sir. The remedy which you are suggesting has been also rejected by the standing committee, because this representation by the music companies was made to the standing committee and they also rejected it. Sir, main ant mein do teen chote mudde mujhe chote sankshep mein kahana hai. Mujhe is baat ka thoda dukh hai, sir, ki while dealing with crime, we basically forgot the basic feature of this bill. Nobody discussed e-governance, nobody discussed e-commerce. Now, e-governance, sir, मैं ज्यादा इसमें लंबा नहीं कहूंगा, एक वाक्य में कहूंगा. लोग किसी भी सरकार से क्या चाहते हैं, दल कोई भी हो, किसी भी सरकार से लोग चाहते हैं सरकार ईमानदार हो और सरकार जल्दी जल्दी फैसले करे, जल्दी जल्दी फैसले करे. अरे अरे रामदास जी, पुराने मित्र, आप बोलोगे तो
रामदास अपन बाहर बोलू बाहर बोलू राधा कृष्णा प्लीज लेट द मिनिस्टर कंप्लीट हिज रिप्लाई देन ओनली कैन आस्क द क्लर्क नॉट नो सर आई वांट टू मेक ओनली टू स्मॉल कमेंट्स आई एग्री विथ रूपचंद पाल जी दो इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द बिल व्हेन ही टॉक्ड अबाउट क्लिक्स वर्सेस ब्रिक्स इन दिस रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से that though we are entering into a knowledge-based economy, that is not the death of the older economy. When we talk about e-commerce, unless we have power, good roads, airports, telecom, engineering, we cannot have e-commerce. So it's not only IT. IT needs a large support base. But at this juncture, as this is not an issue, I am not touching it. The only two smaller things which I said, I would like to say one thing, sir. It is true. Somebody criticized. In world average, we are just 0.1 in internet. We are in telephone just 0.2, 2.6. But in television, we are 30%. But in 2 to 3 years from now, sir, when the television, telephone and computer will be one on one wire, we will have a penetration of 35% of the population. And 35% of the population till today may be much, much less than the Sweden, much, much less than the Americans. But 35% of a 1 billion population is a very, very big number. It is 35 crores, which is not the population of entire USA, even they go 100%. Or lastly, I would like to say, sir, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बारे में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बारे में भी विचार होना चाहिए। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन विचार होना चाहिए, लेकिन गरीबी हटाने के बारे में भी यहाँ इसका विचार होना चाहिए। सर, लास्टली आई विल गो टू द पॉइंट फ्रॉम विच रामदास हैज सेड वी माइट हैव टेकन इट जोकिंगली, बट माई ओनली वरी सर, द डिजिटल डिवाइड इन दिस कंट्री is the biggest and largest. Today, though we talk about IT, we are likely to rule the world, but today IT is limited to few cities of the few states. Our mission is to take IT to the masses. We have to take IT from south to north. We have to take IT from west to east. We have to take IT from cities to villages. We have to take IT from English language to Indian languages. We have to take IT in health. We have to take IT in education. We have to take IT in governance. And if we take it, I'm sure 10 years from now, it is not that only we will rule the world. For me, it is secondary thing. Whether we rule the world in IT or not, that's not my primary objective, but we will be able to serve 1 billion population of this country in a much, much better way. This is a very small step in that direction. With these words, I will request the House to pass the bill unanimously.